नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोनावला के एक बहुत ही मज़ेदार जगह पे लेकर चलने वाला हूँ। आपने नाम तो सुना होगा काथलदर वाटरफॉल का, तो आज के इस वीडियो में हम काथलदर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मेरा सेकेंड विजिट है और मेरे चैनल पर यह सेकेंड वीडियो है काथलदर वाटरफॉल का। बहुत ही सही वाटरफॉल है, यहाँ पर विजिट करने का एक अपना ही मज़ा है। काथलदर वाटरफॉल इतना सही वाटरफॉल है, काफ़ी हाइट से ये वाटरफॉल गिरता है और बिलीव नहीं होता कि अपने लोनावला में इतनी सही लोकेशन है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत जन यहाँ पर ट्रैक करने जाते भी नहीं है बिकॉज इट इज़ हिडन इन दी डेंस फॉरेस्ट। बट ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अपना जो फेमस डेला रिसोर्ट है लोनावला का, वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। बस यहाँ पर वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए थोड़ा मशक्कत, थोड़ी ट्रैक करनी पड़ती है, पर बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर लोनावला में और ये राजमाची का रोड है जो राजमाची के लिए रोड जाता है, और सामने अभी हम लोग काथलदर वाटरफॉल जा रहे हैं। आ गए हम लोग फाइनली यहाँ पर, सुबह निकले थे हम लोग और पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अपने साथ ओमकार और मनोज, और ये यहाँ से काथलदर का एंट्री है। ये दो आइकनिक आम के झाड़ और यहाँ से काथलदर जाने का रास्ता। तो आज का वीडियो काथलदर वाटरफॉल का होने वाला है। हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम में गए थे, पूरा यहाँ पर सुनकी है जहाँ से हम लोग चल करके जा रहे हैं, पूरा सुनकी से भरा हुआ रास्ता था। जैसे ही हमने एंटर किया, काथलदर वाटरफॉल के ट्रैक का एक खास पॉइंट है ये, यूजुअली जब अपन कोई जगह पे ट्रैक करते हैं अपन यूजुअली स्टार्ट में चढ़ते हैं और बाद में आते वक्त रिटर्न जर्नी अपना उतरना होता है, बट इसमें थोड़ा अलग है। हम लोग स्टार्ट में वाटरफॉल के पास सिर्फ उतरते जाते हैं, बहुत ही इजीली उतरते जाना है, बस स्लिपरी जहाँ पर है वहाँ पर संभालना रहता है और उतरना ही है। तो जाते वक्त बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होता है, बस ह्यूमिडिटी के वजह से थोड़ा थोड़ा गर्मी, मतलब पसीना हो रहा था, बाकी तो एकदम उतरते जाना है, इसलिए कोई भी ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं लगता उतरते टाइम, वाटरफॉल के पास जाते टाइम। पर वो ही जब वाटरफॉल पे एंजॉय करने के बाद अपने को रिटर्न आना होता है, तो ये जो पूरा जर्नी हम लोग उतर रहे हैं ये सारा अपने को आते वक्त चढ़ के आना है। तो ये थोड़ा सा उल्टा ट्रैक है, स्टार्ट में अपने को उतरना है और रिटर्न आते टाइम वापस से अप क्लाइम करना है। तो रिटर्न आते टाइम बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है, थक जाते हैं अपन एकदम। तो काथलदर वाटरफॉल का ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ब्यूटीफुल रास्ते हैं और वाटरफॉल जाने के बाद तो एकदम सुकून मिल जाता है। अगर देवकुंड के बाद मैं कोई ट्रैक रिकमेंड करूँगा जो कि वाटरफॉल का होने वाला है और बहुत ही एन्जॉयबल, तो ये मेरा ऑलमोस्ट देवकुंड के बाद एज कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा ये एकदम सही ट्रैक है। और जितना प्यारा मुझे देवकुंड है उतना ही प्यारा काथलदर वाटरफॉल है। देवकुंड से थोड़ा एक अलग सा लगाव है क्योंकि बहुत वो खूबसूरत है और देवकुंड जैसे यहाँ पर भी पानी जमा रहता है, बस देवकुंड का थोड़ा बात अलग है क्योंकि वहाँ का ट्रैक इससे बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। पर बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है काथलदर का भी, आप देख सकते हो बहुत प्यारे रास्ते एकदम ग्रीनरी में से होते हुए एकदम झाड़ियों के बीच से ये मैं चल के जा रहा हूँ, बहुत सुकून भरा रास्ता है। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग कभी ट्रैक जा रहे हो तो वहाँ पे यार स्पीकर विकर से गाने बजाते बजाते मत जाओ, आप ट्रैक करो, नेचर को एंजॉय करो। सो गाइज ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके, थोड़ा आगे जाके वाटरफॉल है लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत पसीना आ रहा है। और सो गाइज यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है और यहाँ पे दो स्टॉल है, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो, मैगी और चाय बिस्किट यहाँ पे मिल जाता है। जितना सही इस वीडियो में काथलदर वाटरफॉल दिख रहा है ना,
अपनी आंखों से देखने में उतना ही ज़्यादा सुकून है, बहुत मज़ा आता है इसे देखने में, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर पहुँचने के बाद इतना ट्रैक करके। तो फाइनली हम लोग काथलदर वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं, सामने वाटरफॉल है, ये सामने अपना काथलदर वाटरफॉल है और इसके जस्ट सामने अपना वो वहाँ पर राजमची फोर्ट है जहाँ पे अपन जाने वाले। तो ये अपना काथलदर वाटरफॉल और ये जितने भी येलो कैप वाले हैं ये लोग यहाँ पर रैपलिंग करके आए हैं, ऊपर से आए हैं ये लोग, वहाँ से रैपलिंग करते हुए ये सारे जन। तो ये है और ये लोग यहाँ पर रैपलिंग कराते हैं। भाई कुछ डिटेल्स बताएंगे अपने को, एक्सप्लोरर्स टीम है वो लोग रैपलिंग कराते हैं यहाँ पे, पुणे से पुणे भी लेके आते हैं और अगर आप बेस विलेज तक अपने ओन व्हीकल में आ सकते हो तो वैसे भी आ सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग प्रीफर नहीं करके क्योंकि ऑफ रोडिंग ज़्यादा है राजमाची के रास्ते पर, आपको पता होगा। बस बाकी रैपलिंग है 350 फीट का, उसमें आपको पहले तो 250 फीट वॉकिंग करके आना, रैपलिंग करना है, बाद में जो 150 फीट बचता है लास्ट का, 100 फीट सॉरी, वो फ्री आएंगे, मतलब उसमें आप लटक के ही नहीं जाओ, बस इतना ही। ओके ओके दादा, चार्जेस वगैरह का शांत है? चार्जेस 2200 पुणे टू पुणे और 1900 इफ यू कम टू द बेस विलेज बाय योर ओन व्हीकल। ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरा सेकंड विजिट था काथलदर वाटरफॉल का, इससे पहले भी हम लोग जा चुके हैं और तभी भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप मेरे पीछे जाकर के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा, वो भी बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसके बारे में और वो देखना है तो वो भी जाकर के देख लेना। वाटरफॉल दिख रहा है, हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं काथलदर वाटरफॉल के, वो नीचे का बेस है काथलदर वाटरफॉल का, अभी वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी उड़ के आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस कैमरे से ये लास्ट वीडियो रहेगा, उसके बाद हम लोग अपना डीजे ऑस्मो एक्शन यूज करेंगे जिसका वाइड एंगल में व्यू रहेगा, तो आगे के वीडियो उससे रिकॉर्ड होंगे। सो नाउ आई हैव स्विच टू माय डीजे ऑस्मो एक्शन कैमरा जो कि वाटर प्रूफ है, पर अभी अपन वाटरफॉल के एकदम नीचे एकदम करीब जाने वाले हैं और सिर्फ वाटरफॉल, यहाँ पर दो स्ट्रीम बह रहा है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाला मेन वाटरफॉल है जिसके पीछे तीन केव्स है और अपन तीनों भी केव्स में जाने वाले हैं। तो मेरे सारे वीडियोज अभी जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो डीजे और जो एक्शन से है रिकॉर्ड हो रहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल है और वाटर प्रूफ भी है, तो आगे के सारे वीडियोज उसके होंगे। और ये वाइड एंगल में व्यू देख लो आप वाटरफॉल का क्या सही है। पहले हम लोग ये राइट हैंड साइड वाले वाटरफॉल के नीचे जाने वाले, उसके बाद जाएंगे अपन लेफ्ट वाले के यहाँ। क्या प्यारा लग रहा है वाटरफॉल, डिफिकल्ट है, बहुत जगह पे स्लिपरी है और सारे ऐसे पत्थर ही है, तो यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो बहुत संभाल के जाना है, वो मोस्ट ऑफ द पत्थर पे स्लिपरी हो चुका है तो संभाल के जाना है। तो फाइनली अपन काथलदर वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, ये मन्ना भाई का फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, और मेरा सेकेंड टाइम है और ओमकार भाई का थर्ड टाइम है। भाई जा रहे हैं आगे, तो ये हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी हम लोग वहाँ पानी के यहाँ पर जाकर आए और ये पानी क्या सही गिर रहा है आपको दिखाता हूँ, क्या पानी गिर रहा है यार, एक नंबर फ्लो, एक नंबर। अपने भाई लोग वहां से क्रॉस करके आ रहे हैं, थोड़ा सेवा ज्यादा हो गया इस बार, ये अपना यहाँ पे वाटरफॉल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये सामने अपना वाटरफॉल क्या दिख रहा है मैं दिखाता हूँ, ये अपना काथलदर वाटरफॉल सामने बेहद खूबसूरत, बहुत सही लग रहा है ये वाटरफॉल यहाँ से देखने में, और वो उसके बाजू का वाटरफॉल जहाँ हम लोग गए थे वो वहां भी गिर रहा है, यहाँ से तो वो कितना छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा, और ये एकदम जाइजेंटिक काथलदर वाटरफॉल, ये पिछली बार आया था तो शायद इससे भी ज्यादा फ्लो था पानी का, आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हो, काथलदर का पीछे एक व्लॉग मिलेगा आपको,
तो फाइनली हम लोग वो साइड से क्रॉस करके ये साइड आ चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल के पास जाएंगे, ट्राई करेंगे उसके पीछे वाले पेड़ में जाने मिलता है क्या, देखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से सामने का जो मतलब आपको, ये सामने अपना पूरा पानी है, ये यहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है, ये अपने भाई लोग यहाँ पर है। और अभी हम लोग यहाँ से केव के अंदर जा रहे हैं। चल माना ये हम लोग फर्स्ट केव में थे और अभी ये फर्स्ट केव से हम लोग सेकेंड केव की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा शिवाला हो गया है, बहुत ज्यादा काई जम गई है यहाँ पर, इसलिए तो बहुत संभाल के जाना है अगर कभी जा रहे हो। काई जमा हुआ है इसलिए बहुत संभाल के जाना पड़ रहा है। ये अपना सेकेंड केव है, काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे लगता है ये सेकंड केव थर्ड केव से भी ज्यादा बड़ा है। और ये कुछ सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। ओ मना भाई, सेकंड वाले केव में बैठे और यहाँ पे सामने का नजारा आपको दिखाता हूँ। बहुत सुकून लग रहा है इधर अंदर बैठ के, सामने से देखो कैसा दिखता है। ये सामने का व्यू, पानी गिरता हुआ, बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। और अभी फाइनली हम लोग थर्ड केव के यहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्लिपरी है तो संभल संभल के ये जा रहे हैं हम लोग। रेडी तो हमने अभी पूरा ये पूरा वाटरफॉल एंजॉय किया। वाटरफॉल के पीछे का आपको तीनों केव्स दिखा दिए। ये कुछ यहाँ पर पानी जमा है
और यहाँ पर हम लोग थोड़ा तैर करके अभी रिटर्न जर्नी अपना कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से रिटर्न आने के बाद मैं और मनोज हम दोनों जन वापस से आगे जाएंगे राजमाची फोर्ट के तरफ, और अपना भाई ओमकार जिसे कुछ काम है तो वो रिटर्न मुंबई आ जाएगा। पानी के नीचे गया